तो फिर फाइनली मैं GDFI की दुनिया में आ ही गया। मैं मेरी ग्रैनी को लिए बिना इस दुनिया से नहीं जाऊंगा। ग्रैनी तुम चिंता मत करो, जिन लोगों ने भी तुम्हें इस GDFI की दुनिया में कैद कर रखा है मैं उन्हें जान से मार डालूंगा और तुम्हें हमारी दुनिया में वापस लेके चले जाऊंगा। मैं आ रहा हूँ ग्रैनी, मैं आ रहा हूँ। GDFI के लोगो, तुम आज मुझसे बचने वाले नहीं हो। ग्रैंडपा, हम समझ सकते हैं कि आप ग्रैनी से बहुत प्यार करते हो और आप ग्रैनी के बिना नहीं रह सकते, पर ग्रैंडपा मैं आपको एक बात बता दूं, हम तीनों भी ग्रैनी से बहुत प्यार करते हैं। ग्रैंडपा, जितना आप ग्रैनी को प्यार करते हो उतना ही हम भी करते हैं। ग्रैंडपा प्लीज, आप हमारे छोटे बच्चों की बात सुन लीजिए। ग्रैंडपा प्लीज। अरे हाँ ग्रैंडपा, प्लीज आप ग्रैनी को दूसरी दुनिया में लेकर मत जाइए। ग्रैंडपा प्लीज, अगर ग्रैनी दूसरी दुनिया में चली गई तो हमारा ख्याल कौन रखेगा? हमें रोज रात को भूतों की कहानी कौन सुनाएगा? हम आपको ग्रैनी को दूसरी दुनिया में ले जाने नहीं देंगे मेरे प्यारे बच्चा। अब बहुत ही बड़बड़ कर ली तुम लोगों ने, अब बस बहुत हो गया। पहले मेरी ग्रैनी को इस दुनिया में कैद करके रखते हो, उसके बाद कहते हो कि तुम मेरी ग्रैनी से प्यार करते हो। हाँ बहुत हो गया तुम चारों का नाटक, मैं तुम चारों को ही यहाँ पर मार डालूंगा। नहीं ग्रैंडपा, आप गलत समझ रहे हो, इन चारों ने मुझे इस दुनिया में कैद नहीं किया है, बल्कि मैं इस दुनिया में अपनी मर्जी से आई हूँ। तुम चुप हो जाओ ग्रैनी, तुम चिंता मत करो, मैं इन चारों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ग्रैंडपा हम आपका दुख समझ सकते हैं, इतने सालों तक आप ग्रैनी से दूर रहे, पर प्लीज ग्रैंडपा आप भी समझिए, हमने ग्रैनी को इस दुनिया में कैद नहीं किया था। अरे बल्कि हम तो ग्रैनी से बहुत ही प्यार करते हैं। ग्रैंडपा हम भले उन्हें कैद क्यों करेंगे? हैं ग्रैनी हमारी दादी जैसी है ग्रैंडपा, हम उन्हें कभी कैद नहीं कर सकते। अगर आप ग्रैनी को दूसरी दुनिया में लेकर चले गए तो हमें बहुत ही दुख होगा ग्रैंडपा, हम सब बहुत ही सैड हो जाएंगे, हम ग्रैनी के बिना नहीं रह पाएंगे। चुप हो जाओ तुम सब के सब, तुम सब क्या जानो कि दुख क्या होता है? मैं अब तक यही समझता रहा कि ग्रैनी मर चुकी है, पर जब मुझे पता चला कि ग्रैनी मरी नहीं है बल्कि GDFI की दुनिया में है, तब मैं बहुत ही खुश हो चुका था। मैं एक बार ग्रैनी को खो चुका हूँ, मैं बार बार उसे खोना नहीं चाहता। मेरे ग्रैंडपा, अगर ग्रैनी को मुझे मेरी वापस दुनिया में लेके जाने के लिए तुम सबको मारना भी पड़े तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। नहीं ग्रैंडपा, मैं आपको ऐसे करने नहीं दूंगी, ये चारों के चारों मेरे पोते जैसे हैं। एक छोटी सी गलत फहमी के लिए मैं आपको इन सबको मारे नहीं दूंगी। ए, मेरे प्यारी ग्रैनी, ग्रैनी हम आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हैं। नहीं फ्रैंकलिन, आज नहीं, आप रे कटाब रहे के लिए के लिए के लिए जा। अरे क्या, ग्रैनी और ग्रैंडपा कहाँ चले गए? ओह नो, गए ग्रैंडपा उन्हें अपनी दुनिया में लेके तो नहीं चले गए? अरे सुप सुप पलन अभिता। ओह नो ओह नो ओह नो, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ होगी फ्रैंकलिन भैया, हमें कुछ भी करके ग्रैनी को ढूंढना होगा। और जरा एक मिनट, मुझे पता है कि वो लोग कहाँ गए होंगे। हाँ क्या, मैं यहाँ पर कैसे आ गया? ग्रैनी ये तुमने क्या किया? मुझे उन चारों को मारना था। नहीं ग्रैंडपा नहीं, वो चारों के चारों मेरे पोते हैं। वो हमारे पोते नहीं है ग्रैनी, ये तुम भी जानती हो, उन चारों ने तुम्हें GDFI की दुनिया में फंसा के रखा था, वो तुम्हारे पोते नहीं है। हाँ ग्रैंडपा मैं जानती हूँ कि वो चारों मेरे असली पोते नहीं है, पर उनके साथ रह रहकर मुझे भी उनसे प्यार हो चुका है ग्रैंडपा। भले ही वो मेरे असली पोते नहीं है, पर मैं उनसे बहुत ही प्यार करती हूँ। ग्रैनी क्या तुम भूल गई कि हमारे साथ 5 साल पहले क्या हुआ था? हमारे असली पोते के साथ क्या हुआ था? हाँ तुम उन चारों नमूनों को हमारे पोते का प्यार नहीं दे सकती, हमारा बस एक ही असली पोता है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। पर ग्रैंडपा अब मैं इविल नहीं रही, मैं अब अच्छी बन चुकी हूँ, और मैं कहीं ना कहीं ये भी जानती हूँ कि हमारा असली पोता भी यही चाहता है। ग्रैनी मुझे मेरी पोते की बहुत ही याद आ रही है, आज से ठीक 5 साल पहले हम एक बहुत खुश फैमिली थे, हमारा एक बहुत ही प्यारा छोटा और शरारती पोता था, हमारा बेटा और बेटी एक एक्सीडेंट में मर चुके थे और वो हमें एक प्यारा सा पोता छोड़ गए थे। हमारे बच्चों के गुजर जाने के बाद हमारा पोता ही हमारी दुनिया बन चुका था, हम उसे इतना प्यार करते थे कि हम उसके लिए मरने के लिए तैयार थे, वही हमारी दुनिया था और वही हमारी खुशियाँ था, हम उसके साथ बहुत ही मजे करते थे, हंसते थे और खेलते थे। पर एक दिन एक कार एक्सीडेंट में हमारा पोता भी हमें छोड़कर जा चुका था,
उसके बाद हम बहुत ही इविल बन चुके थे। हम हमारे पोते को इतना मिस करते थे कि अगर हमारे घर में अगर कोई भी छोटा बच्चा पास आ जाए तब हम उसे कैद कर लेते थे और उसे 5 दिन का वक्त देते थे हमारा पोता बनने के लिए। पर कोई हमारा पोता बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो 5 दिन में हमारे घर से भाग निकल जाता था। हम अपने पोते के प्यार के लिए इतना तड़पे हैं ग्रैनी कि हम अच्छे इंसान से इविल इंसान बन चुके थे और अब यही हमारी दुनिया है ग्रैनी। हमें यह कड़वा सच मानना ही पड़ेगा कि अब हमारा पोता कभी वापस नहीं लौट सकता। हमें हमारे पोते को भूलना ही पड़ेगा ग्रैनी। नहीं ग्रैंडपा, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा पोता भले ही मर चुका हो पर उन चारों मासूम बच्चों में मुझे अपना पोता नजर आता है। फ्रैंकलिन, नोबिता, डोरेमोन, शिनचैन, वो सब मेरे पोते हैं। मैं एक बार मेरे पोते को खो चुकी हूँ पर वो चारों को नहीं खोना चाहती ग्रैंडपा। आपने सुने, मत मारिए। तो फिर चलो आओ दोस्तों मेरे पीछे पीछे। मुझे पता है कि ग्रैनी इस वक्त कहाँ गई होगी। आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं ग्रैनी को उनकी दुनिया में जाने नहीं दूंगा। ओके जल्दी से बैठो कार में दोस्तों। खुल जा दरवाजा। ओके बैठ गया। मैं कहाँ बैठूं? मैं पीछे बैठता हूँ। ओके बैठ गया। मैं भी बैठ जाता हूँ पीछे। खुल जा दरवाजा। बैठ गया। हम बैठ गए फ्रैंकलिन भैया, चलिए ग्रैनी के पास। ओके ओके तुम चल रहा हूँ। धीरे धीरे पीछे आ जा गाड़ी को और ले लिया और चलो ग्रैनी के पास। ग्रैनी हम लोग आ रहे हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए ग्रैनी, हम ग्रैंडपा को आपसे हमको छीने नहीं देंगे। वैसे फ्रैंकलिन भैया, ग्रैनी इस वक्त कहाँ है? शिनचैन, मुझे तो यही लग रहा है कि ग्रैनी इस वक्त उनके पुराने घर में होंगी। अब ग्रैनी हमें वही मिल सकती है। अगर ग्रैनी अपनी दुनिया में हमें छोड़कर चली गई तो हमारा क्या होगा? अरे यार नोबिता, ऐसी नेगेटिव बातें मत करो। ग्रैनी हमें बहुत ही प्यार करती है, वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। ये पागल नोबिता भी ना कुछ भी सोचता रहता है। पागल की कही। अरे दोस्तों, ये वक्त लड़ने का नहीं है, हमें इस वक्त ग्रैनी को ढूंढना है। ओके? अरे हाँ हाँ डोरेमोन, हम लोग जानते हैं। वैसे ग्रैंडपा के लुक से तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत ही इविल है और उन्होंने तो हमें मारने की धमकी भी दी है। यार पता नहीं, पर मुझे लग रहा है कि ग्रैंडपा हमें मार डालेंगे अगर हमने ग्रैनी को रोका तो। ओफो फ्रैंकलिन भैया, आप बिना कितने डरते हैं। मैं ग्रैंडपा से नहीं डरता, मैं ग्रैनी के लिए कुछ भी करूंगा। हाँ शिनचैन, हाँ मैं जानता हूँ ग्रैनी स्टार्टिंग में भले ही इविल थी पर वो अब बहुत ही अच्छी बन चुकी है। वो हमसे बहुत ही प्यार करती है और हम भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए बस हम ग्रैनी को रोकने के लिए अपनी पूरी जान लगा देंगे। ग्रैनी आप बस रुको, हम आ रहे हैं आपको बचाने के लिए। ग्रैनी हम आ रहे हैं। तो फिर चलो ग्रैनी, अब फाइनली वक्त आ चुका है तुम्हें हमारी दुनिया में ले चलने का। पर नहीं ग्रैंडपा, मैं इस दुनिया में छोड़कर नहीं जाना चाहती। तुम चाहो या ना चाहो पर तुम्हें मेरे साथ आना ही पड़ेगा। आबरकडाबरा गेले गेले चो, आबरकडाबरा गेले गेले चो। ओके तो फिर हम पहुंच गए ग्रैनी के पुराने बंगले में। ओके हमें यहाँ पर संभल संभल के चलना होगा। ओके ग्रैनी और ग्रैंडपा यहीं पर होंगे कहीं पे। ग्रैनी, ग्रैंडपा आप कहाँ? यहाँ पर हो ग्रैनी? और ये रे ग्रैनी और ग्रैंडपा। अरे फ्रैंकलिन, शिनचैन, नोबिता, डोरेमोन, तुम सब आ गए। हाँ ग्रैनी, हम सब आ गए, हमको बचाना है ग्रैनी। ग्रैंडपा हम उनको ग्रैनी को ले जाने नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, समझे क्या? मैंने सोचा था कि मैं तुम सबकी जान बख्श दूँ पर अब तुम चारों यहाँ तक भी आ गए तो अब मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। नहीं ग्रैंडपा, नहीं, आप मुझे मत मारिए प्लीज। फ्रैंकलिन ते तो येल है। हाँ येल है, तुम लोगों ने मेरी ग्रैनी को छीना, मैं तुम सबको ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। ये ले नोबिता, तू भी ले। हाँ ये ले। हाँ हमें मारिए, आप हमें मारिए, आप हमें जितना मार सकते हो उतना मारिए। हम आपकी मार सह लेंगे पर हम उनको ग्रैनी को ले जाने नहीं देंगे ग्रैंडपा। तुम सब आपस में लड़ना बंद करो। अरे यार ग्रैनी इतनी बड़ी हो गई, मतलब ग्रैनी पक्के गुस्सा हो गई है। यार पता नहीं कि अभी क्या होने वाला है। अब मैंने मेरी बॉडी से मेरी आत्मा बाहर निकाल दी है। अगर ग्रैनी इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाना चाहती तो फिर मैं तुम्हें मेरी दुनिया में लेके चलूंगा, समझा फ्रैंकलिन? अरे बाप रे ग्रैंडपा, आपको ये क्या हो गया? आप तो ब्लॉक कर रहे हो। अरे बाप रे, आज चला दू आईफोन, डाल दू आज, चला दू आईफोन को डाल दू। इन सब का कोई फायदा नहीं है फ्रैंकलिन, अब तुम्हारी आत्मा बाहर निकल जाए। अरे ये क्या हो गया? मेरी आत्मा कहाँ जा रही है? नहीं मुझे मानना नहीं है। तुम अब मेरी दुनिया में जा रहे हो फ्रैंकलिन। हाँ मिलते हैं मेरी दुनिया में। अरे नहीं ग्रैंडपा, नहीं, मुझे मानना नहीं है। नहीं नहीं नहीं। तो फिर नोबिता अब तुम्हारी बारी, ये ले तुम्हारी आत्मा और गई आत्मा। अरे नहीं, मैं भी मरना नहीं चाहता, मैं आपकी दुनिया में जाना नहीं चाहता ग्रैंडपा। मजा आ गया, अब ये शिनचैन डोरेमोन का चले गए। अरे बाप रे, ग्रैंडपा ने मेरे फ्रैंकलिन और नोबिता को क्या कर दिया? मैंने देखा कि उनकी आत्मा अभी भी हवा में उड़ गई, ये क्या हो रहा है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा है? तो तुम यहाँ छुपे हो शिनचैन? अरे बाप रे, क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी आत्मा भी गई। नहीं नहीं फ्रैंकलिन भैया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ फ्रैंकलिन भैया? अब तुम भी मेरी दुनिया में चले जाओ। अब बस डोरेमोन बचा है। डोरेमोन, अब तुम भी मेरी दुनिया में चले जाओ। ये लो। अरे मेरे डोरे के कैसे काम
सबको मैंने मेरी दुनिया में भेज दिया, अब ग्रैनी की बारी।